हाय दोस्तों, ताइवान की इलेक्ट्रिक मोटर बाइक जो कि एक स्टार्टअप है, उसने जो है यूरोप में अपनी CR20 कैफे रेसर कॉन्सेप्ट ई मोटरसाइकिल को दिखाया है। CR21 जो है एक बार चार्ज करने पे 230 किलोमीटर तक की रेंज देगी, ऐसा कंपनी का दावा है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति आवर की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इटली के मिलान में EICA में 2021 के दौरान ऑटो बाइक ने CR21 कैफे रेसर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को पेश किया है। कंपनी का कहना है कि इस ई बाइक को जो है 11 किलोवाट का जो है इलेक्ट्रिक मोटर है, जिससे इसको पावर मिलती है, जो 300cc बाइक के बराबर स्पीड देने में सक्षम है। ऑटो बाइक CR21 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में 9.6 किलोवाट आवर की बैटरी है और यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से 230 किलोमीटर तक की जो है रेंज दे सकती है। ई बाइक में जो है फ्रंट में 41mm के जो है अपसाइड डाउन फॉक सस्पेंशन मिलते हैं और 200mm के जो है एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलते हैं। साथ ही में इसमें डिस्क ब्रेक भी मिलता है, जो कि ब्रेकिंग पावर अच्छा बना देता है। 17 इंच के जो है इसमें मैक्सिस टायरों के साथ में ABS लगा है और इसे जो है डैश और साइड से जो है स्टैंड सेफ्टी सेंसर भी दिया गया है। इसमें केले स्टार्ट सिस्टम भी दी गई है। 2022 की जो है पहली तिमाही में जो है यूरोप में इसकी जो है सेलिंग चालू हो जाएगी और इसकी कीमत तो रखी है वो भारतीय करेंसी के अनुसार 7,90,000 रुपये है। तो ये जो बाइक है ये तो फिलहाल जो है भारत के बाहर ही सेल होगी। क्या आपको लगता है ऐसी बाइक भारत में भी सेल होनी चाहिए और लॉन्च होनी चाहिए, ये कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।